आज हम कक्षा नौवीं, नवम कक्षाया और दशम कक्षाया के अंतर्गत आज जो व्याकरण है उसके अंतर्गत हम वाच्य प्रकरण, वाच्य परिवर्तन क्या होते, वाच्य क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कक्षा नौवीं और कक्षा दसवीं दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। आइए चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वाच्य परिवर्तन प्रकरण, ये है वाच। अब वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिससे यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है, वाक्य प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिससे यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की, कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता है। अतः वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? पहला होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले यहां पर है वह है कृतवाच्य। अब क्या होता है ये कृतवाच्य? जिस वाक्य में कर्ता में प्रथम वाक्य कर्ता में प्रथमा विभक्ति, जिस वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया में कर्ता के पुरुष और वचन को देखकर रखी जाती है उस वाच्य को कृतवाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा क्रिया कर्ता और पुरुष वचन को देखकर रखी जाती, जो क्रिया है कर्ता के पुरुष और वचन को देखते रखी जाती है उस वाच्य को कृतवाच्य कहते हैं। जैसे अब देखिए यहां पर है कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या दी है यहाँ पे? तीन चीज, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो देखिए यहां पर बालक, कर्ता, ग्रंथ, कर्म और क्रिया क्या हो रही है? पढ़ता है। बालक क्या है? कर्ता। कर्म क्या है? ग्रंथ। क्रिया क्या हो रही है? उसके द्वारा पढ़ना। अब यहां देखो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और कर्ता के पुरुष और वचन को देख कर रखी जाती, तो कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार। तो यहां पर क्या जाएगा? बालकः ग्रंथम पठति। क्या आ गया? बालकः ग्रंथम पठति। तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म और क्रिया, बालक, ग्रंथ और पढ़ता है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार, तो बालकः ग्रंथम पठति। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप यहां पर देखिए और उदाहरण देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। यहां देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार। तो यहां क्या आएगा? रामः गृहं गच्छति। क्या आया? रामः गृहं गच्छति। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता रामः, कर्म गृहं, क्रिया क्या हो रही? गच्छति यानी जाना। अब यहां पर दूसरा है त्वं चित्रं पश्यति। फिर है सः दुग्धं पिबति। फिर क्या आएगा? अहं ग्रामं गच्छामि। फिर राधा फलम खादती। ठीक, इस प्रकार से कर्ता, कर्म और क्रिया, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और कर्ता के पुरुष, यानी कर्ता कौन सा पुरुष और उसके वचन के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम दूसरा पढ़ेंगे कर्मवाच। क्या पढ़ेंगे? कर्मवाच। जिस वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, अब देखिए कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया। और कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया जो है कर्म के अनुसार रखी जाती है उस वाच्य को कर्मवाच्य कहते हैं।
जिस वाक्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार रखी जाती, जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार रखी जाती है, उस वाच्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्ता क्या है? बालक, ग्रंथ और पढ़ता है। कर्ता कौन हुआ? बालक। कर्म क्या है? ग्रंथ। और क्रिया क्या हो रहा? पढ़ता है। अब यहां पर देखिए, तृतीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार। तो क्या आ जाएगा? तृतीया विभक्ति बालकेन, कर्म प्रथमा विभक्ति ग्रंथः, क्रिया पुरुष और वचन के अनुसार पठ्यते, पठ्यते। तो क्या जाएगा? बालकेन ग्रंथः पठ्यते। इस वाक्य में कर्ता बालक में तृतीया विभक्ति यानी बालकेन, कर्म ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति तो ग्रंथः, और तथा क्रिया यानी पढ़ता है कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार पठ्यते रखी गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब और अन्य उदाहरण भी आप देख लें, कर्ता, कर्म और क्रिया। तृतीया विभक्ति कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार। तो यहां पर जो है कौन क्या आएगा? पहला रामेण, कर्म ग्रहाम, क्रिया गम्यते, कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार। फिर त्वया चित्रम दृश्यते, तेन दुग्धम पीयते, मया ग्रामः गम्यते, राधया फलम खाद्यते। कर्ता, कर्म और क्रिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे भाववाच। क्या पढ़ेंगे? भाववाच। जो क्रियाएं अकर्मक, अकर्मक यानी जिनमें कर्म नहीं होता या होती हैं, उनसे कर्मवाच्य नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रियाओं से कर्मवाच्य के समान ही भाववाच्य बनता है। इसमें भी कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति होती है। भाववाच्य में भाव यानी क्रिया की प्रधानता रहती है, अतः भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में तथा कृदंत प्रत्ययों से बनी क्रियाओं में नपुंसक लिंग एक वचन रखा जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। यहाँ पे क्या आया? कर्ता बालक, क्योंकि कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रियाओं में इसमें हमने आपको बताया, तो यहाँ पर क्रिया क्या होगी? हंसता है। विभक्ति हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन कृदंत क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन, तो यहां पर क्या जाएगा? बालकेन। कौन सी विभक्ति होती है कर्ता में? तृतीया विभक्ति। यहां पे आएगा बालकेन और यहां आएगा हस्यते। इस वाक्य में कर्ता बालक में तृतीया विभक्ति बालकेन है, कर्म होता नहीं है तथा क्रिया कौन सी? हस्ता है। हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होने के कारण हस्यते रखी गई है, हस्यते रखी गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब और भी उदाहरण है इसके, इसके और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, अन्य उदाहरण। जैसे ये कर्ता, कर्म और क्रिया। यहां पर क्या है? तृतीया विभक्ति कर्म चूंकि होता नहीं है, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन कृदंत क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन, तो क्या आएगा? देखिए यहां पर त्वया धाव्यते, तेन गम्यते, रामेण भव्यते, मया भ्रम्यते, राधया गीयते। ठीक, आप इसके आगे पढ़ते हैं। विशेष, जिस प्रकार से हिंदी भाषा में पढ़ना से पढ़ा जाना, लिखना से लिखा जाना, करना से किया जाना, हंसता से हंसा जाना इत्यादि कर्मवाच और भाववाच की क्रियाएं बनती हैं, उसी प्रकार से संस्कृत की मूल धातुओं में या जोड़कर, धातुओं में या जोड़कर कर्मवाच्य और भाववाच्य की प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे गम धन य गम्य, पट धन य पठ्य, लिख धन य लिख्य, रक्ष धन य रक्ष। कर्मवाच्य की क्रियाओं के रूप में
सदैव आत्मे पद में ही चलते हैं, परस्मै पद में कभी नहीं चलते, जैसे गम्यते, पठ्यते, लिख्यते, रक्षते इत्यादि। अब यहाँ पर है कर्मवाच और भाववाच की क्रियाओं की कुछ तालिका दी है। ये कृतवाच है और ये कर्मवाच और भाववाच है। तो पठती, खादती, लिखती है ना, फिर यहाँ खादती, हसती, भवती, धावती, करोती, क्रीणाती, नयती, गच्छती, इच्छति, कथयति और क्रुध्यति। अब यहाँ पर क्या आएगा? पठ्यते, खाद्यते, लिख्यते, खाद्यते, हस्यते, भूयते, धाव्यते, क्रियते, क्रियते, एक है क्रियते, एक है क्रियते, नीयते, गम्यते, इष्यते, कथ्यते और क्रुध्यते। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, गायति, चलति, जानाति, ददाति, पश्यति, नमति, निंदति, पचति और पतति। और यहाँ पे क्या आएगा? गीयते, चल्यते, ज्ञायते, दीयते, दृश्यते, नम्यते, निंदते, फिर पच्यते, पत्यते। अधिक रूपों के लिए धातु प्रकरण में संक्षिप्त धातु रूप तालिका होती है। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक, वाच कर्ता कर्म और क्रिया, कृतवाच प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति कर्म, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार। ये कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार। हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में, कृदंत क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कृतवाच से कर्मवाच भाववाच में परिवर्तन करते समय केवल कर्ता कर्म और क्रिया में ही परिवर्तन होता, शेष अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाच्य परिवर्तन के उदाहरण कृतवाच और कर्मवाच या भाववाच। अहम जलम पिवामि, मया जलम पीयते, त्वं कुत्र गच्छसि, त्वया कुत्र गम्यते, अहम पत्रम लिखामि, मया पत्रम लिख्यते, त्वं पुस्तकम पठसि, त्वया पुस्तकम पठ्यते। चलिए आप, रामः पुस्तकम पठति, अहम गृहं गच्छामि, सा विद्यालयं गच्छति, कृष्णः जलं पिबति, सः हसति, रामः पत्रं लिखति, अहं पत्रं लिखामि, सः पुस्तकं पठति, अहं जलं पिबामि, त्वं पत्रं लिखसि, रजकः गर्वधं ताडयति, छात्रा पुस्तकं पठति, सा दुग्धं पिबति, अहं गच्छामि, लता गीतं गायति, बालिका गीतं गायति, कवि काव्यं करोति, सः ग्रामं गच्छति, अहं पश्यामि, सा पुस्तकं पठति। ये सब पढ़े। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कर्मवाच भाववाच। रामेण पुस्तकं पठते, मया गृहं गम्यते, तेन विद्यालयं गम्यते, कृष्णेन जलं पीयते, तेन हस्यते, रामेण पत्रं लिख्यते, मया पत्रं लिख्यते, तेन पुत्रकं पठते, मया जलं पीयते, त्वया पत्रं लिख्यते, रजकेन गर्भं ताड्यते, छात्रेण पुस्तकं पठ्यते, तेन दुग्धं पीयते, मया गम्यते, लतया गीतं गीयते, बालिकया गीतं गीयते, कविना काव्यं कुरुते, तेन ग्रामं गम्यते, मया दृश्यते, तेन पुस्तकं पठ्यते। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको ये जैसे पहला दिया, कृतवाच्य करति विभक्ति भवति, कौन सी इसमें आएगा? देखिए यहाँ पर उत्तर दिए हैं, तो इसमें सबसे कौन सा आएगा? प्रथमा। फिर है वाच्यानाम संख्या कति अस्ति, जो वाच्यों की जो संख्या है तो वो कितनी है, उसमें दी है तीन। तीन बार भी पढ़ाए ना हमने। फिर है पठति इति क्रियायाः कर्मवाच्य परिवर्तनम् भवति, तो इसमें क्या आएगा? पठति इति, इसका क्या है? पठ्यते। भाववाच्य प्रयोगः भवति, भाववाच्य का प्रयोग में क्या? हस्यते। फिर है सा गच्छति इति पदस्य कर्मवाचम् भवति, इसमें कौन सा आएगा? तो तेन गम्यते। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को वाच्य परिवर्तन, वाच्य प्रकरण जो था उसके उदाहरणों को, और किस प्रकार कर्मवाच, कृतवाच, भाववाच में क्या होते हैं वो समझाया पढ़ाया। आप लोग इसके उदाहरणों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, परीक्षा के लिए याद करेंगे। धन्यवाद।